सारी जिंदगी इंसान अपनी सुहागरात का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मेरी सुहागरात उस रात को थी जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच था। मुझे नहीं अंदाजा था इस चीज का कि ये बंदा मुझे नहीं शाहीन अफरीदी को घर लेके आना चाह रहा है। ना पाकिस्तान की विकटें गिरी, ना इस बंदे ने मेरी विकटें गिराई। यकीन करें इस बंदे का बस नहीं चल रहा था कि अपनी बहन बाबर आजम को यह गया है। और टू वे स्ट्रीट होती है ना, अगर वो वहां छक्के छुड़ा रहे हैं तो भाई तुम मेरे छक्के तो छुड़ाओ पहले। हाईलाइट्स देखने के बाद एग्जैक्टली जैसे स्टेडियम में लोग जमा होते हैं ना, वैसे इस बंदे ने अपने कमरे में अपने माँ बाप को बुलाया, अपने बहन भाइयों को, अपने कजन्स को बुलाया और उसके बाद उन्होंने शोर शराबा डाला आके। मतलब उन्होंने विकेट कीपिंग करनी थी, फील्डिंग करनी थी आके कमरे में? नहीं, मैं पागल हूँ। T20 ये लोग जीत जाएंगे, मेरे T20 का जनाजा निकल जाना है इधर। अबे यार एक चौका ही मार दो। चले वो भी मसला नहीं है। फिर जिस दिन वलीमा था उस दिन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच था, सारी रात कमरे से चीखने की आवाजें आई हैं। अफसोस इस बात का है कि वो मेरी आवाजें नहीं थी। मलिक के और आसिफ अली के नारे मारे हैं इस बंदे ने। उसके बाद इसने 2 बजे तक हारिस रऊफ की मीमें शेयर की हैं। मेरी हो गई है बस। मेरी ICC वालों से दरखास्त है कि अब आपके आगे जितने भी पाकिस्तान के मैचेस हैं वो प्लीज दोपहर के टाइम में रखें। दोपहर के टाइम में हमारे बॉयज परफॉर्म कर लें, रात के टाइम में मेरा मियां परफॉर्म कर लें।